हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और स्टॉक मार्केट काफ़ी गिरावट रही है और बजट का दिन है आज। निर्मला सीतारमण जी जो पेश कर रही हैं बजट, उसके वजह से गिरावट है और मार्केट देखिए काफ़ी टाइम से ऊपर की तरफ ही 12,400 के आसपास से अभी नीचे की तरफ है। लगभग 5% आप मान के चलिए नीचे की तरफ है। तो एक पैनिक सेलिंग है फ्रेंड्स, और इसमें से ज़्यादातर रिटेलर्स का जो मार्जिन का जो अमाउंट रहता है उसमें से सौदे कटते हैं, और फिर जो अच्छे स्टॉक्स हैं काफ़ी आपको तेजी से भी बढ़ता हुआ देख सकते हैं। बट ये है कि यहाँ से भी हो सकता है कुछ परसेंट और नीचे की तरफ निफ्टी आए, बट ये है कि 11,750 और 11,730 के आसपास तो सपोर्ट मिलना चाहिए, और अच्छा खासा ये पैनिक सेलिंग लगभग 200 पॉइंट नीचे की तरफ है। फिलहाल 11,800 के आसपास ही कारोबार कर रहा है और उससे नीचे की तरफ ही है। तो इसमें से कुछ स्टॉक्स आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण बातें जैसे कि मार्केट में आप लोग ध्यान रखिए, हमेशा एक साथ ऊपर की तरफ मार्केट नहीं जाती है। अब ये बजट के उम्मीद के कारण ऊपर की तरफ थी और पहले से थोड़ा सा सिग्नल देने की कोशिश कर रही थी कि कुछ करेक्शन की उम्मीद है, और आपने देखा कि लगभग ये 12,280 और 70 तक गया था निफ्टी, बट वहाँ से फिर ये करेक्शन में है। आज के दिन काफ़ी गिरावट है, अब आने वाले समय में क्या हो सकता है। देखिए, आने वाले समय में मार्केट में ऐसा तो है नहीं कि जीडीपी यहाँ से नीचे की तरफ ही चली जाएगी, बट ऊपर की तरफ ही जाएगी। अभी ये जो स्टॉक्स गिर रहे हैं तो इनमें मौका है, और कुछ परसेंटेज के हिसाब से इन स्टॉकों को बाय करने की कोशिश करनी चाहिए पोजिशनली। देखिए, यही होता है जब इंट्राडे मार्जिन, आज कितने लोगों के सौदे कट गए होंगे, 200-250 अगर निफ्टी गिरती है तो, जैसे कि मार्जिन में है और एफएनओ में है, तो काफ़ी उसमें नुकसान रहता है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो हैं वो स्टॉप लॉस के द्वारा ही कामकाज करते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है नए इन्वेस्टर्स और जो मार्जिन में कामकाज करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी अगर आप लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया था तो अभी जो स्टॉक हैं उनको तो होल्ड ही करना चाहिए, अच्छे अगर आपके स्टॉक्स हैं, और जो लो लेवल पे मिल रहा है, अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी है या फिर लेना चाहते हैं स्टॉक को, तो जो लो लेवल पे भी मिल रहा है स्टॉक उनको लेने की कोशिश करिए। बजट का एनालिसिस तो देखिए अभी मंडे को तक आपको दिखेगा कि स्टॉक्स ऊपर की तरफ होंगे वो, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि HUL ऊपर की तरफ है, इन्फोसिस और ITC थोड़ा सा गेन है ये, और जब भी मार्केट गिरती है तो ये स्टॉक्स ऊपर की तरफ ही रहते हैं। बट ये है कि जो अभी जो जैसे कि गवर्नमेंट कर रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर रही है, उसमें से आप L&T का एक स्टॉक है, बड़ा स्टॉक है, 1310 के आसपास दिख रहा है और आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न भी दे सकता है। फ्रेंड्स, जो लंबे समय के लिए भी लेना चाहते हैं तो L&T को लेने की कोशिश करिए। जैसे कि आप अगर 100-200 क्वान्टिटी लेना चाहते हैं तो 50% लेने की कोशिश करिए, और इसके साथ का अगर छोटा स्टॉक आप देखना चाहते हैं तो NCC है, लगभग 52-53 के आसपास कारोबार कर रहा है ये, इसको आप देखने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई पसंदीदा स्टॉक है इंफ्रास्ट्रक्चर में तो उसको देखने की कोशिश करिए, जो अच्छा रन ऊपर की तरफ गया था, अभी फिलहाल आज गिरावट में है, और आपको एक तेज़ी आपको दिखेगी मार्केट में, तो काफ़ी तेज़ी से 5 से 7%, 10% भी ऊपर की तरफ ये दिखेंगे, क्योंकि जो बजट का जो एनालिसिस होगा वो आपको दिखेगा मंडे को, फिलहाल फिर वो अपडेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये दो स्टॉक्स को आप देख सकते हैं, अगर जो 100 रुपये से नीचे का जो स्टॉक लेना चाहते हैं तो NCC को देखने की कोशिश करिए, और जो बड़ा स्टॉक में अगर लेना चाहते हैं तो L&T को देखने की कोशिश करिए, और इन स्टॉकों में आप थोड़ा सा विश्वास करिए और अच्छा खासा गेन भी हो सकते हैं। L&T लगभग 5 से 10% और NCC भी लगभग 10 से 15%। अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट मिल जाता है एक महीने के अंदर, और ये होली तक अगर प्रॉफिट मिलता है तो आपको प्रॉफिट भी बुक कर लेना चाहिए। तो अभी वैलेंटाइन भी आ रहा है फ्रेंड्स, उसमें भी जैसे कि अगर आप कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो टाइटन का भी स्टॉक नीचे की तरफ है अभी फिलहाल, और आने वाले समय में वो भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। बट ये है कि थोड़ा सा अगर करेक्शन और होता है टाइटन में तो उसको एक नज़र में रखने की कोशिश करिए। और ये दो स्टॉक के अलावा अगर आप किसी को गाड़ी गिफ्ट करने की कोशिश करते हैं तो टाटा मोटर्स और मारुति, ये दो स्टॉक्स आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, और ये काफ़ी तेज़ी से लगभग 5 से 10% आपको ऊपर की तरफ दिखेंगे। और जब आपको देखिए, थोड़े दिन पहले एक वीडियो बताने की कोशिश थी, तो बताने की कोशिश थी कि टाटा मोटर एक पैनिक सेलिंग में लगभग 160 तक भी आ सकता है, अभी 170 था उसका, थोड़े दिन पहले आपने देखा कि 173 तक आया था वो, और अभी लगभग 168 रुपीज़ तक आया है।
पैनिक सेलिंग में 160 तक का था उसका, और आज ये गिरावट है। तो टाटा मोटर को एक छोटा स्टॉक है, जो बड़े स्टॉक में अगर मारुति में देखना, जो 7000 में खरीदने को तैयार थे अब 6800 में मिल रहा है। अगर 100-200 पॉइंट यहाँ से भी नीचे की तरफ होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जो पोजिशनली ट्रेड कर रहे हैं। और जो डे ट्रेडिंग और मार्जिन में कामकाज करते हैं, तो हर वीडियोस में आप लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए स्टॉप लॉस और एक आप जैसे आप अपने लेवल के अनुसार उसको कामकाज करनी चाहिए। सिंपल सा एक आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, कोई भी स्टॉक में अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो 2% नीचे आप उसका स्टॉप लॉस लगा लीजिए गिरावट में, और जब बढ़ता भी है तो 2 या 4% उसका प्रॉफिट भी बुक कर लीजिए। इस तरह से कामकाज करेंगे तो आपको हो सकता है कि 50-60% प्रॉफिट में बैठे रहेंगे। बट ये है कि अब इस तरह की मार्केट होती है तो रिटेलर्स को काफ़ी दिक्कत हो जाती है, 100-200 पॉइंट निफ्टी का गिरना, और उसके बाद आपको दिखेगा कि एक दो दिन के बाद ऊपर की तरफ था और आपका जो पोजीशन थी वो कट चुकी है। तो फिलहाल इस चैनल से यही बताने की कोशिश की जाती है नए इन्वेस्टर्स को, काफ़ी इन्वेस्टर्स सीख भी रहे हैं, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो कामकाजी रहते हैं वो अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हैं। बट ये है कि उनको होल्ड करना चाहिए, अच्छा स्टॉक है तो आपको ये वो फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो फ्रेंड्स, ऑटो सेक्टर से ये दो शेयर देख सकते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर से अगर आप देखना चाहते हैं तो L&T और NCC को देख सकते हैं। उसके बाद अगर फाइनेंशियल सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर में थोड़ी सी कमजोरी रहेगी अभी, और क्योंकि जरा से HDFC बैंक गिर रहा है और SBI भी लगभग 310-311 के आसपास है। अगर कोई स्टॉक को लेना चाहते हैं तो अगर आपको जो पसंदीदा स्टॉक है बड़े स्टॉकों में जो, तो उसको बाय करने की कोशिश करिए। ऐसे सेक्टर में अगर देखना चाहते हैं तो HDFC जो लगभग 2341 के आसपास है, वो भी काफ़ी गिरावट में है भी, और आने वाले समय में वो बढ़ेगा फ्रेंड्स, उसको देख सकते हैं। और PSUs को अगर देखना चाहते हैं तो पावर ग्रिड को देखिए, और ये कुछ परसेंटेज के हिसाब से आपको अच्छा खासा गेन दे सकता है। और अगर ट्रेडर स्टॉक देखना चाहते हैं तो जी आप देखते हैं तो जी को देखने की कोशिश करें, जी एंटरटेनमेंट। इस स्टॉक को आने वाले समय के लिए लगभग 290-300 तक ये जाने की कोशिश करेगा, जिस तरह से 302 गया था तो उसी तरह से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, हो सकता है आपको महीने भर में आ जाए। तो इस तरह से जब तक आपका टारगेट रीच ना हो तब तक आप सेल करने की कोशिश ना करिए। तो 4-5 ये स्टॉक्स हैं फ्रेंड्स, और ये एक तरह से मौका दिया है, एक तरह से एक मौका दिया है, और मार्केट काफ़ी तेजी से भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, लगभग 200-300 पॉइंट। उसके बाद फिर हो सकता है कि करेक्शन हो, जिस तरह से आप देखेंगे वो प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत तेजी से आएगी, इस तरह का भी रहेगा। और ये इस तरह से रेडी रहना चाहिए फ्रेंड्स, और प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए। जो लॉन्ग टर्म के लिए अगर लेना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा मौका है ये, अगर और गिरावट होती है यहाँ से और लगभग 11700 को ब्रेक करेगा तो आपको फिर सीधे 11700 को ब्रेक करेगा तो फ्रेंड्स लगभग 11500 तक आने की कोशिश करेगा निफ्टी। बट अभी जो पैनिक सेलिंग है बजट के वजह से, हो सकता है कि इसमें ज़्यादा गिरावट ना हो तो, बट जो स्टॉक्स हैं फ्रेंड्स इन 3-4 स्टॉक्स को देखने की कोशिश करिए। इसके अलावा जो आपके पसंदीदा स्टॉक है, काफ़ी आज गिरावट है मार्केट में, तो अभी ये 3-4 स्टॉक जिस तरह से जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके हिसाब से बताने की कोशिश, आप 4-5 स्टॉक हैं कुछ इस तरह के स्टॉक्स आप देखने की कोशिश करिए, और इस बजट में अभी फिलहाल जो एनालिसिस होगा उसके हिसाब से बताने की कोशिश की जाएगी, अपडेट करने की कोशिश की जाएगी। और ये वीडियो इसलिए बताने की कोशिश थी कि मार्केट में जो गिरावट है उसका जो अब खरीदें क्या हो जाता है, उसमें क्या होता है कि अपने स्टॉक को ही देखने की कोशिश करते हैं, और जिन्होंने अभी खरीदा है लगभग आप 12000 के आसपास लिया है जिन्होंने, तो उनका समय लग सकता है, कुछ हो सकता है कि रिकवर भी बहुत तेज़ी से भी हो सकता है, तो आपका भाव भी बहुत तेज़ी से आ सकता है। नुकसान सिर्फ आप लोगों को मार्जिन और जो थोड़ा सा जिनके पॉकेट से ऊपर का कारोबार करते हैं तो उनको नुकसान रहता है, और जो डिलीवरी बेस हैं तो उनको नुकसान नहीं रहेगा, अच्छे स्टॉक्स फिर से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों के लिए कुछ स्टॉक्स बताने की कोशिश थी, और अगर आपको मार्केट में विश्वास है और वैलेंटाइन डे और होली के लिए अगर कोई स्टॉक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो पैनिक सेलिंग में खरीदने की कोशिश करिए, और अच्छा खासा रिटर्न भी दे सकते हैं कुछ समय में ही। तो फ्रेंड्स ये कुछ अपडेट था आप लोगों के लिए, और अगर आप इस YouTube चैनल को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।